हाय एवरीवन, वेलकम टू ए फॉर ऑटिज्म। आज हम लोग बात करेंगे रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग बिल्डिंग के बारे में। तो मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है विराज की शैडो टीचिंग में, और जो विराज को मैं लर्न करवा रही हूँ चीज़ें, उसमें मेरी बहुत सारी लर्निंग्स रही हैं। तो आई होप मेरा ये जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं रीडिंग से, आइडेंटिफिकेशन से। बट ऐसा नहीं होता, हमारे बच्चे सबसे पहले स्क्रिबलिंग करना शुरू करते हैं। जब वो रीडिंग स्टार्ट नहीं करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे बच्चे जो करते हैं वो होता है किसी भी क्रेयॉन या किसी भी पेंसिल को पकड़कर दीवार पर पेंट करना या कहीं पर भी स्क्रिबलिंग करना। ये बेसिकली एक लॉजिक है, ये एक डेवलपमेंटल फेज होता है जहाँ से बच्चे अपनी अकेडमिक्स की शुरुआत करते हैं। तो ये जो पेंसिल ग्रिप होती है, ये ग्रिप जो है ये स्ट्रांग होती है, तो बच्चे लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाते हैं पेंसिल को होल्ड करना, क्रेयॉन्स को होल्ड करना। सबसे पहले बच्चे की होल्डिंग ऐसे आती है, उसके बाद जैसे ही उनकी पेंसिल ग्रिप डेवलप हो जाती है, इस तरह से लंबे समय तक पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, स्केच पेंस को होल्ड करना शुरू कर देते हैं। उतना ही लंबा पीरियड वो कलरिंग और राइटिंग में बिताते हैं। पेंसिल ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो अगर आप पहले ये फोकस करें कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी राइटिंग नहीं करता है, तो सबसे पहला काम है पेंसिल ग्रिप के ऊपर काम करना। बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, किसी भी बीड को उठाना और थ्रेड में डालना, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को इन तीन उंगलियों से उठाकर किसी दूसरी जगह पर प्लेस करना। धीरे धीरे करके बच्चे की यहाँ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होनी स्टार्ट होती हैं, और यहीं से राइटिंग करने की, पेंसिल को सही तरीके से पकड़ने की शुरुआत होती है। बच्चे की जब तक पेंसिल ग्रिप स्ट्रांग नहीं होती है, अगर आप राइटिंग पर फोकस कर भी रहे हैं तो भी वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ये चीज डेवलप होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप होता है, अगर आपको अच्छी राइटिंग फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऐसी वर्कशीट्स यूज करिए या ऐसी बुक्स यूज करिए जिसमें कंट्रोल लाइंस हो। वाइप एंड क्लीन वाली बहुत सारी बुक्स आती हैं। मैं पॉपी किट की एक वर्कशीट आपको शो कर रही हूँ, उसमें बहुत सारी DIY एक्टिविटीज भी हैं जो कॉग्निटिव एबिलिटी को अच्छा करने में भी काम आती है। सेकेंडली, उसमें कंट्रोल लाइंस वाली बहुत सारी जो है एक्टिविटीज हैं जो वाइप एंड क्लीन है, बच्चा उसको यूज कर सकता है लाइंस क्रिएट करने में। बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अल्फाबेट्स और नंबर्स को लिखना, जिससे बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी। तो ये वाइप एंड क्लीन वाली एक्टिविटी बुक्स जो है वो काफी मदद करती है बच्चों की। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये वर्कशीट्स आती हैं। पॉपी किट के बारे में अगर आप लंबे टाइम से मुझे फॉलो करते हैं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि मैंने पॉपी किट को बहुत ज्यादा यूज किया है। पॉपी किट की वर्कशीट्स हो, पॉपी किट की लेवल बुक्स हो, उनको मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है। रीजन ऑफ यूजिंग देम इज क्योंकि पॉपी किट एक ऐसा ब्रांड है जो ऑटिज्म स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना करिकुलम बनाते हैं, अपनी बुक्स बनाते हैं। इंडिया में रेयरली ही ऐसा कोई ब्रांड मुझे मिला है, इसीलिए ये एक एप्रिसिएशन शाउट आउट भी है पॉपी किट ब्रांड के लिए कि उन्होंने ऑटिज्म स्पेसिफिक करिकुलम जो है क्रिएट किया है, बच्चों की लर्निंग एबिलिटी में उनकी मदद की है। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स जो इस जर्नी में काफी आगे आ गए होंगे, उनके लिए पॉपी किट एक नया ब्रांड का नाम नहीं होगा, आप ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। ऐसे ही मैं भी इसे पिछले 3 सालों से यूज कर रही हूँ, उनकी बहुत सारी लेवल कॉम्बो बुक्स आती हैं और वो सारी ही लेवल बुक्स मैंने यूज करी हैं। वेलक्रो स्टिकर्स होने की वजह से ये जो बुक्स होती हैं इनमें आप पेंसिल ग्रिप को अच्छा होते हुए पाएंगे। बच्चा जब स्टिकर्स पुल करता है और स्टिकर्स को वापस प्लेस करता है तो हैंड कोऑर्डिनेशन तो अच्छा होता ही है, बट ये वाली जो ग्रिप होती है ये भी स्ट्रांग होती है। और इनकी वर्कशीट्स तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी हैं, मैंने अभी हाल फिलहाल ही यूज करनी स्टार्ट करी है, बिकॉज मुझे विराज की नीट राइटिंग पर काम करना है, तो वाइप एंड क्लीन होने की वजह से हम इसे ओवर एंड ओवर प्रैक्टिस करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेलिंग्स की, चाहे हिंदी की स्पेलिंग्स हो चाहे इंग्लिश की स्पेलिंग्स हो। मेन वर्क होता है बच्चे को फोनिक्स आने बहुत जरूरी है, बच्चे को साउंड पता होनी चाहिए, बच्चे को लैंग्वेज का डिफरेंस पता होना चाहिए, ये इंग्लिश है ये हिंदी है। जब भी आप कुछ भी स्टार्ट करें, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, हमेशा बोलिए हम इंग्लिश पढ़ेंगे, हम हिंदी पढ़ेंगे, ताकि बच्चा हिंदी से अक्षरों को रिलेट करना स्टार्ट करे, व्यंजनों को रिलेट करना स्टार्ट करे एंड लेटर्स को रिलेट करना स्टार्ट करे। इंग्लिश से जब नंबर्स कराए तो मैथ्स बोलिए। बच्चे को सब्जेक्ट का नाम बताना बहुत जरूरी होता है, ताकि जब हम स्टार्ट करें तो बच्चे को पता हो कि अगर मम्मा ने म साउंड बोला या क साउंड बोला तो ये हिंदी का नहीं है, ये इंग्लिश का है, क्योंकि अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और आप तीनों ही सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट करके ब्रेक्स में पढ़ाइए, एक साथ तीनों सब्जेक्ट्स को मत पढ़ाइए। यानी पहले कुछ टाइम इंग्लिश पढ़ाइए, 1-1.5 घंटे का ब्रेक लीजिए, फिर हिंदी पढ़ाइए, फिर ऐसी ब्रेक लेकर मैथ्स पढ़ाइए। पॉपी किट की जो इंग्लिश की लेवल बुक है वो मैंने यूज करी थी स्पेलिंग बिल्डिंग के लिए, उसमें फोनिक्स की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो काफी हद तक मददगार हैं। तो मैंने उनको यूज करके विराज को साउंड की ब्लेंडिंग सिखाई थी, और फिर उन साउंड की ब्लेंडिंग्स को सिखाते हुए मैंने उसको सिमिलर वर्ड्स की जो डिक्टेशन है वो स्टार्ट करी थी, जैसे एट वाले जो वर्ड्स होते हैं,
मैट कैट रैट हैट बैट जितने भी कॉम्बिनेशन से मैं उसे सिखा सकती थी, पहले मैंने उसे वो सारे ही कॉम्बिनेशन वाले वर्ड सिखाए, देन मैंने उनकी डिक्टेशन बोलनी स्टार्ट करी, ऐसे ही ऐड वाले वर्ड्स है, यानी लास्ट के जो लेटर्स होते हैं वो सिमिलर रहेंगे लेकिन जो पहला लेटर है वो फोनिक साउंड जो है पहला वो बदल जाएगा। यहाँ से बच्चे को स्पेलिंग सीखने में मदद मिलती है, साउंड को समझने में मदद मिलती है। उसके बाद आता है थोड़ी सी बड़ी स्पेलिंग्स आपको सिखानी है, यानी ब्लेंडिंग वर्ड्स आपको सिखाने हैं। तो ब्लेंडिंग वर्ड्स का क्या है कि अगर आपको ड्रम सिखाना है तो ड्रम का जो ड्र है उसको अलग कर दीजिए, अम वर्ड सेम रखिए। तो ड्र सिखाने से ये होगा कि बच्चे को ड और र की साउंड समझ में आएगी। तो इसीलिए सबसे पहले जब आप शुरुआत करते हैं तो आप टू लेटर वर्ड्स के कॉम्बिनेशन की डिक्टेशन या टू लेटर वर्ड्स की रीडिंग से ही स्टार्ट करिए। एड एट एन एम ऐसे बहुत सारे साइट वर्ड्स भी होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और उनके टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बच्चे को साउंड को क्लब करना समझ में आना शुरू होता है। जब बच्चा साउंड को क्लब करना शुरू करता है, दो लेटर्स की साउंड वो क्लब करना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे करके वो तीन लेटर्स की साउंड को भी क्लब करना स्टार्ट करता है। और ऐसे ही आप देखेंगे धीरे धीरे करके उनका कॉन्सेप्ट नॉलेज जो है वो इंक्रीज होता है और वो लंबे वर्ड्स भी पढ़ पाते हैं। सारे पेरेंट्स में इतना वर्किंग है, टाइमिंग क्राइसिस रहता है और आपको एक करिकुलम समझ में नहीं आता है कि आपको कौन सी चीज कौन से लेवल से स्टार्ट करना है। यानी अगर आप इनिशियली अभी होम स्कूलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो पॉपी किट की बहुत सारी लेवल बुक्स हैं, यानी जो एज के हिसाब से डिजाइन है, एज के हिसाब से उनका करिकुलम है, क्लास वाइज उनका करिकुलम डिसाइडेड है, यानी फर्स्ट क्लास में क्या आता है, किंडरगार्टन में क्या आता है, नर्सरी में क्या आता है। उनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। लेवल कॉम्बोज हैं बहुत सारे, आप उनकी वेबसाइट पे देखिए, उनकी वर्कशीट्स हैं, लेवल कॉम्बोज हैं। पॉपी किट को बहुत लंबे टाइम यूज करने के बाद में आपको बेनिफिट समझ में आता है कि आपके बच्चे की कॉन्सेप्ट नॉलेज कितनी स्ट्रांग हुई है। और उनकी जो अभी लेटेस्ट लेवल बुक है उसमें बहुत सारे सोशल स्किल्स को सिखाने वाले पेजेस भी हैं, तो इसीलिए वो तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज उसमें प्लांट की लाइफ साइकिल है, उसमें बहुत सारे सोशल स्किल्स की एक्टिविटीज है। तो इस तरीके की जो बुक्स होती हैं वो बहुत हेल्प करती हैं बच्चे को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि बहुत विजुअल स्टिमुलेशन अवेलेबल होता है, प्लस आप अपनी बात बता रहे हैं, एक्टिविटी है, तो इसीलिए बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है लंबे टाइम तक, है एक गेम की तरह लगती है एक्टिविटी बुक। तो अगर आपको और इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशनड है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं इसका पार्ट टू भी शूट करूंगी, क्योंकि मैं अभी विराज की सेंटेंस बिल्डिंग पे वर्क कर रही हूँ, यानी वो कैसे सेंटेंस को रीड करे, कैसे सेंटेंसेस को लिखे। मैं इसका पार्ट टू लेकर जल्दी ही आपके साथ मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय।